झारखंड में रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय ने आज अपने पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद सरयू राय से बात की हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के चाल चरित्र में बड़ा बदलाव आ गया है। रघुवर दास कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय ने आज राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सर, आपसे जानना चाहूंगा सरयू राय जी की, एक तो आप जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास जी के खिलाफ चुनाव लड़े, क्या परिस्थितियां रही, क्या फीडबैक आपको मिला? देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता की आवाज आ रही है कि मैं यह चुनाव जीत रहा हूँ, यानी जनता जीत रही है चुनाव। पर 23 तारीख को जो फैसला आएगा, अंतिम फैसला, उसका इंतजार करना चाहिए इसके बाद भी हम लोगों को। सर, एक सवाल का जवाब और आपसे चाहूंगा कि आप भाजपा में लंबे समय तक रहे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी वगैरह जो यहाँ चुनावी सभा कर रहे हैं और ज्यादा चुनावी सभा कर रहे हैं, आखिर इतनी ज्यादा चुनावी सभा की जरूरत कैसे आन पड़ी, क्या लग रहा है सियासी माहौल? ये लोग बताना चाहते हैं कि केंद्र इस राज्य का ख्याल रखेगा, भले ही राज्य के मुख्यमंत्री निकम्मा साबित हुए हों, उन पर कई आरोप लगे हों, उन्होंने राज्य में कोई एक ऐसा विषय नहीं छोड़ा है जिस पर केंद्र गर्व करे कि हमारी राज्य की सरकार ने ऐसा किया है। इसीलिए केंद्रीय नेता आकर अपनी साख को दांव पर लगा रहे हैं। अपनी साख को बड़े नेताओं को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। राज्य में सरकारें आती रहती हैं, जाते रहती हैं, जीत हार तो राजनीति में लगा रहता है, मगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब अपनी साख को लगा दें एक चुनाव के लिए, एक राज्य के, तो इससे उनकी साख कमजोर होगी। सर, बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, क्या लग रहा है कि झारखंड विधानसभा का परिणाम क्या आने जा रहा है, क्या तस्वीर उभर कर सामने आने जा रही है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। 65 पार का नारा दिया था, 15 पार हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इनका। ये थे हमारे साथ रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सरयू राय, बागी प्रत्याशी के तौर पर रहे और इन्होंने साफ तौर पर कहा बीजेपी किस तरीके से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इस तरीके लोगों को यहाँ चुनाव में पसीना बहाना पड़ रहा है, वोट मांगना पड़ रहा है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आखिर झारखंड में क्या होने जा रही है इस चुनाव में। कैमरा पर्सन सुनील प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।